हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जेहो फैंटेसी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरलैंड वुमेन्स T20 जो लीग चल रहा है दोस्तों, उन आयरलैंड का लीग के बारे में। तो ये मैच किस किस के बीच में खेला जा रहा है, तो ये मैच जो खेला जा रहा है दोस्तों, टाइपन वुमेन वर्सेज ड्रैगन वुमेन्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें, मैच स्टार्ट होने में लगभग दोस्तों, मैच स्टार्ट होने में लगभग 6 घंटे 24 मिनट बचे मैच स्टार्ट होने में। उससे पहले मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो तीनों चीज़ें रहेगा दोस्तों, मेनली तीन चीज़ें है, पिच रिपोर्ट, एवरेज स्कोर और वेन्यू के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आपको जानना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते होंगे कि तीनों चीज़ आपको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। उसके बाद अगर बात करें जो पिच है दोस्तों, आपको बैटिंग के लिए सपोर्ट करेगा, तो कोई भी टीम आपको टॉस जीता दोस्तों बैटिंग का फैसला करेगा। पिच रिपोर्ट के बारे में बात किया, फास्ट बॉलर के लिए सपोर्ट करेगा। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 130 और 135 तक बीच में स्कोर बन सकता है। ये दोस्तों पिच रिपोर्ट। उसके बाद अगर वेन्यू के बारे में बात करें तो ओका हिल क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा। ये रहा दोस्तों वेन्यू। उसके बाद अगर बात करें तो आपको एक छोटा सा काम है, वो क्या है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना होगा। तो दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको क्योंकि ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको कोई दोस्तों कोई फाइनल टीम हो जाए, किसी तरह कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन, किसी तरह भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना। तो बाई मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन है तो आपको सीधा इस तरह टेलीग्राम में चल जाना होगा। टेलीग्राम में जाकर इस तरह आपको सर्च ऑप्शन में जाकर इस तरह आपको सर्च करना होगा दोस्तों, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, @jehofantasy करके आपको सर्च करने के बाद आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आपको 30+ सब्सक्राइबर जिसमें दिखाई दे रहे हैं, उसी में आपको ज्वाइन करना है, और उससे पहले सही तरह से सर्च करना होगा। बाकी फेक अकाउंट को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि ये फेक अकाउंट है तो आपको फेक टीम देकर लॉस भी करवा सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन अकाउंट से आपको दूर रहना। उसके बाद मैं इतना बता दे रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहने से आपका सब लॉसेस रिकवर करवा दूंगा, ये मेरा 100% श्योर बात है। तो उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको, जो मुंबई वर्सेस हैदराबाद, बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटन्स के बीच में जो आज दो मुकाबले खेले जाएंगे IPL के। तो दोस्तों देखिएगा, दोनों मैच में 50,000 का फ्री एंट्री दे रहा है। फिलहाल आपको मुंबई वर्सेस हैदराबाद के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा तो 3:30 बजे को, उसमें आपको 50,000 का फ्री एंट्री दे रहा है। तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों विजय लावन का खासियत क्या है, बस मैं इतना ही बताऊंगा, लिंक द्वारा डाउनलोड कीजिए, 100% श्योर के साथ बता रहा हूँ। टू बी फ्रैंकली, मैं तो इजिली से मनी अर्न करता हूँ विजय लावन द्वारा, आपको भी मनी इजिली अर्न करना है विजय लावन, लिंक को डाउनलोड कीजिए, 100% श्योर मनी इजिली से अर्न कीजिए। ये रहा दोस्तों विजय लावन का खासियत। उसके बाद अगर बात करें, आपको 1,00,000 का फ्री एंट्री दे रहा है दोस्तों। 1,00,000 जो कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है दोस्तों, कुछ बंदे के साथ पैसा नहीं होता है तुरंत, आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन अकाउंट से डाउनलोड कीजिए, 100% श्योर के साथ मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इन्फॉर्मेशन माई मास्टर लेवन का। और उसके बाद अगर माई मास्टर लेवन में एक खासियत है दोस्तों, नया लॉन्च हुआ, कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता, लो कॉम्पिटिशन है, आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया तो फ्रेंड्स, आपको मैं इस तरह फाइनल टीम प्रोवाइड कर दूंगा इसी तरह। उसके बाद अगर बात को आपको मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको DU का टीम भी मिलेगा दोस्तों, 5 प्लेयर में आपको इस तरह प्लेयर का मिल जाएगा दोस्तों। कोबेरा का खासियत यह है कि दोस्तों, आपको जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, सीधा से सीधा आपको 30-40 रुपये मिलेगा दोस्तों। ये रहा कोबेरा का खासियत। उसके बाद अगर बात किया तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। उसके बाद कुछ भी आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीम आपको टॉस जीतने के बाद क्या फैसला करता है, दोनों टीमों को इस तरह प्लेइंग 11 भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर बात की तो आपको कुछ भी आपको मैं तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर बात की तरफ से आपको मैं, चलिए लेट नहीं करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलरों को पिक करेंगे। तो कुल मिला के 11 प्लेयर को पिक करते हैं दोस्तों। इन 11 प्लेयर को आपको ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टार्ट के बारे में बताऊंगा, कितना रन स्क्रिप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बता दूंगा। तो दोस्तों, ये सारा चीज आपको जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि सारा चीज आपको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसलिए मैं बोल रहा था आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, हम लोग पहले विकेट कीपर में, हम लोग एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर को पिक करेंगे दोस्तों। भले बैटिंग के लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग एक विकेट कीपर के साथ जाते हैं। तो अभी हंटर आते हैं दोस्तों, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो लास्ट 5 मैच के स्कोर कार्ड में देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है 60 रन बनाए थे 52 बॉल्स खेल के। उसके बाद लास्ट मैच में देखा जाए तो 10 रन बनाए थे 12 गेंद करके। ये रहा दोस्तों 5वें मैच का स्कोर कार्ड, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें सबको, हम लोग ए हंटर को पिक कर लेते हैं पहले विकेट कीपर पे। उसके साथ अगर बात करें बैट्समैन, आप किस किस को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, पहले बैट्समैन आप पिक कर सकते हैं एमी कोलोफील्ड। उसके बाद अगर बात करें तो सारा फायरबोस, और उसके बाद अगर बात करें तो लुइस लिटिल को पिक कर सकते हैं 3 बैट्समैन पे। तो हम लोग
पहले पिक कर लेते हैं तीनों बैट्समैन को, उसके बाद अगर बात करें तीनों बैट्समैन का स्कोर कार्ड के बारे में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट बैट्समैन में आते हैं एमी कोलरफील्ड, उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट में 17 रन बनाए थे दोस्तों, उसके बाद अगर बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें 10 रन बनाए थे 32 बॉल्स खेल के, उसके बाद अगर बात करें 6 डाल के 1 सफलता, उसके बाद अगर बात करें फेरबोस तो लास्ट में 6 रन बनाए थे 9 गेंद खेल के दोस्तों, 2 डाल के कोई सफलता नहीं, उसके बाद इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस की देखा जाए तो लास्ट मैच में 60 रन बनाए थे 125 गेंद खेल के, 2 डाल के कोई सफलता नहीं है, ये रहा दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद जोशुआ लिटिल के लुशिया लिटिल के बारे में बात किया था, 18 रन बनाए थे 17 गेंद खेल के, उसके बाद 4 डाल के 2 सफलता, उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोनों मैच आपको बेस्ट परफॉर्मेंस रहने वाला, लास्ट 2 मैच से खेले प्लेयर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला, तीनों हम लोग बैट्समैन को पिक कर लिए, ये तीनों बैट्समैन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है दोस्तों, ये तीनों बैट्समैन को इधर कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात की तरफ आपको हम लोग तीन बैट्समैन हम लोग पिक कर लिए, हम लोग तीन बैट्समैन को पिक कर लें दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर्स को आप किस किस डिपार्टमेंट पर आप पिक कर सकते हैं, पहले ऑलराउंडर पे तो दोस्तों पहले ऑलराउंडर पर आप पिक कर सकते हैं, इसमें आपको नॉट आउट होने वाला लियोरा डैनली को पिक कर सकते हैं पहले ऑलराउंडर पे, उसके बाद अगर बात करें लिहा पोल को पिक कर सकते हैं दूसरे ऑलराउंडर पे, उसके बाद अगर बात करें ओला प्रेजेंट गेस्ट को पिक कर सकते हैं तीसरे ऑलराउंडर पे, तो दोस्तों हम लोग तीनों ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों ऑलराउंडर को पिक कर लेते हैं दोस्तों, लियोरा डैनली एल पोल, उसके बाद अगर बात करें प्रेनिट को पिक कर सकते हैं तीसरे ऑलराउंडर पे दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर की स्कोर कार्ड के बारे में बात किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं दोस्तों डैनली, तो लास्ट मैच में देखा जाता है 1-4 डाल के 1 सफलता दोस्तों, इन मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस की बारे में बात करें 17 रन बनाए थे 20 गेंद खेल के और दोस्तों 4 डाल के 3 सफलता, ये रहा दोस्तों लियोरा डैनली का स्कोर कार्ड। उसके बाद अगर बात करें तो लिहा पोल लास्ट मैच में 33 रन बनाए थे 30 गेंद खेल के 4 डाल के 2 सफलता, और बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लास्ट ही मैच है दोस्तों, ये बाकी जो 5 मैचेस आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद अगर बात करें वोरला तो लास्ट में 14 रन बनाए थे 7 गेंद खेल के दोस्तों 4 डाल सॉरी मैं 6 डाल के 1 सफलता है, उसके बाद अगर बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें शतक जोड़े थे 115 रन बनाए थे 115 गेंद खेल के, लेकिन दोस्तों तीनों ऑलराउंडर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं तीनों ऑलराउंडर्स आपको काफी एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें बॉलर्स में आप किस किस को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, पहले गेंदबाज मैं बता रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट गेंदबाजों को बता रहा हूँ दोस्तों, भले आप सोचते होंगे कि पीछे आपको बैटिंग के लिए सपोर्ट करें लेकिन 4 बॉलर के साथ क्योंकि जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको स्पिनर हो जाए फास्ट बॉलर हो जाए किसी का पिच हो दोस्तों, लेकिन ये फास्ट बॉलर के लिए सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है दोस्तों ये पिच में चेजिंग करने का आशा नहीं होता दोस्तों, इसलिए हम लोग बॉलर के साथ जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्सी को पिक कर सकते हैं पहले गेंदबाज में, तो किरण मौर्य को पिक कर सकते हैं दूसरे गेंदबाज में, तो दोस्तों हम लोग 2 गेंदबाज को इधर पिक कर लिए, और उसके बाद अगर बात करें 2 गेंदबाज को और पिक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं केट मैकॉय, उसके बाद अगर बात करें फरनर संगेट को पिक कर सकते हैं दूसरे बैट्समैन पे, तो दोस्तों हम लोग 4 बैट्समैन को 4 बॉलर्स को पिक कर लें, इन चारों बॉलरों के स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में डैम्सी ने लास्ट मैच में 2 विकेट हासिल किए थे दोस्तों 4 डाल के, उसके बाद अगर बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दोस्तों लास्ट 2 मैचेस में अच्छे परफॉर्म किए हैं, उसके बाद बाकी जो मैचेस देख लीजिए, उसके बाद अगर बात करें किरण मारे लास्ट मैच 14 रन बनाए थे 12 गेंद खेल के, उसके बाद अगर बात किया दरमियान ये 4 डाल के 1 सफलता है, उसके बाद अगर बात किया दरमियान आपको जो आपको मैं बता रहा हूँ तो लास्ट मैच में देखा जाए तो तीसरे गेंदबाज में आते हैं आपको इंपॉर्टेंट केलला मैकॉय, तो लास्ट मैच 2 रन बनाए थे 5 गेंद के लिए 4 डाल के 1 सफलता है, बेस्ट परफॉर्मेंस 45 रन बनाए थे 47 गेंद के, लेकिन दोस्तों 6 डाल के कोई सफलता नहीं दोस्तों, लेकिन कमाल के गेंदबाज है। उसके बाद अगर बात किया जाए फेरर सरंगनेट लास्ट मैच में देखा जाए तो 4 सफलता है दोस्तों 4 डाल के, उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात किया तो लास्ट ही मैच है, लेकिन दोस्तों देखिएगा तीन जो चारों गेंदबाज आपको नाम बता रहा हूँ दोस्तों चारों गेंदबाज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो कुल मिलाकर 1 विकेट कीपर 3 बैट्समैन 3 ऑलराउंडर 3 बॉलर तो 4 बॉलर्स, तो कुल मिला के 11 प्लेयर को पिक किए, इन 11 प्लेयर को आपको ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टैट्स के बारे में बता दिया। अब दोस्तों मैं कैप्टन के बारे में मेंशन कर देता हूं दोस्तों, इन 11 प्लेयर में कप्तान और इस कप्तान को किस किस को ट्राई कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप कप्तान को कैप्टन को मैं बता रहा हूं और इस कैप्टन, तो दोस्तों दोनों प्लेयर्स का जो नाम बताऊंगा बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस मैच के लिए आपको 100% मास्टर स्टोर बता रहा दोस्तों, ये दोनों प्लेयर्स आपको परफेक्ट रहने वाले हैं, तो दोस्तों हम लोग कैप्टन पर बना लेते हैं चलिए, तो दोस्तों हम लोग कप्तान पे बनाते हैं एल पोल को, उसके बाद अगर बात करें वाइस कप्तान पे एल लिटिल को बना लेते हैं वाइस कप्तान पे, तो दोस्तों मैं कैप्टन और विस कैप्टन आपको परफेक्ट प्लेयर का नाम बता दिया, उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी टीम को देख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपर में देखा जाए तो 1 विकेट कीपर, बैट्समैन में देखा जाए 3 बैट्समैन, ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर, बॉलर में देखा जाए तो 4 बॉलर्स, तो कुल मिला के 11 प्लेयर को पिक इन 11 प्लेयर कप्तान पे बनाया पोल को और वाइस कप्तान पे लिटिल को बनाया दोस्तों, ये रहा कैप्टन और विस कैप्टन, उसके बाद आपको जो टीम दे रहा हूँ बिल्कुल भी फाइनल टीम मैं समझेगा, फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़े रहने के लिए बोल रहा था, तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है इस वीडियो में, उसके बाद अगर बात करें तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूं दोस्तों, आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद।